अलग अलग फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स कहाँ से आप काउंट हो गए हैं? हाँ यार, फीलिंग बहुत अच्छा वाला मार रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। काफी दिनों बाद मिल रहे ना। हाँ, लास्ट ईयर नहीं लास्ट ईयर क्या, दिस ईयर। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ, दिखा दूँ आपको, ये है सूरजपुर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और यहाँ कुछ काम से आई थी मैं, और अभी जा रही हूँ अपने बड़े पापा की जो बेटी है मेरी जो दीदी है निशा दीदी, उनके यहाँ जा रही हूँ मैं, और पूरा दिन वहीं रहूँगी। और आप लोग से भी मिलाती हूँ, उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। संजोग बाप जी तो आते के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट में है लौकी सब्जी, रोटी, बैगन, सलाद। अभी मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ, ये दीदी लोग का बेड है। और मैं थक गई स्कूटी चला के, एकदम सुबह मॉर्निंग में ही आ गई थी मैं 8:30 बजे यहाँ। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो अभी सो गई थी मैं, अब सोकर उठी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर से जा रही हूँ, अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं, तो मिलती हूँ हॉस्पिटल पे। यहाँ पे पहुँच गई हूँ, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल। अरे बाप रे, यहाँ तो मधुमक्खी का छाता भी है। कब? आज है, कल है, मैं कल नहीं, आज कल का करने है। हेलो, ये मेरी जूनियर लोग हैं, 1 2 3, और मेरी सीनियर, और उससे फिर उधर वो माँ जूनियर छुपा रही है, उसको छोड़ दो, मैं चाहे नहीं छुपा। नाम बताओ अपना। मैं दिव्या गुप्ता हूँ। दिल्ली मैं अंजलि साहू। मैं नेहा प्रजापति हूँ। किरण शर्मा। अंकिता मेहता। और हम लोग यहाँ घूमू करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी, परेशान हो गए हैं बैठे बैठे। दीदी को लग रहा है, नींद आ रहा है। सभी की अलग अलग मानसाएं हैं, क्या बोलते हैं उसको, इच्छाएं, अलग अलग फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स कहाँ से आप काउंट हो गए हैं? हाँ यार, फीलिंग बहुत अच्छा वाला मार रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। पता है, मैं बता रही हूँ, चेयर वहाँ पे लगा हुआ था धूप में, उसको धीरे धीरे लाते लाते यहाँ पे ले आए हैं। और लगता है अभी कुछ देर बाद वो दीवार के पास चले जाएंगे, तो थोड़ा मतलब देर बाद आपको ब्लॉग वहाँ से देखने को मिल सकता है। है कि नहीं? भूख लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा, खा चुके हैं वैसे, फिर भी लग रहा है। टेंशन में भूख ज्यादा लगता है ना, है ना? टाइम हो रहा है 4:30, और मैं खाना खाई दीदी के यहाँ आ गई थी मैं, मेरे को भूख लग रहा था तो मैं हॉस्पिटल से दीदी के यहाँ गई, फिर खाना खाई, फिर उसके बाद सो गई थी। और अभी फिर से जा रही हूँ हॉस्पिटल, और काफी ज्यादा ट्रैवलिंग रहा है, ज्यादा कवर नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं जितना है उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। आ गई हूँ हॉस्पिटल, ये सूरजपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो काफी अच्छा है। कैसा लगा आप लोगों को हॉस्पिटल, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। सूरजपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये। अभी टाइम 8 बज रहा है, और सभी कोई हॉस्पिटल में ही है, काफी भीड़ है, काम ही चल रहा है जब से। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:30, सभी निकल रहे हैं, काम था। और अभी जाऊंगी मैं, घर नहीं जाऊंगी, घर वाले मना कर दिए कि भैया थम मत आओ, इतनी रात हो गया है। तो अभी मैं अपने दीदी के यहाँ रुकूंगी, उसके यहाँ रुकूंगी, और उसके लिए अभी चौपाटी से कुछ कुछ लेकर जाएंगे ताकि खुश हो जाए। अंबिकापुर में तो ऐसे नाइट में दिखाती ही हूँ मैं, लेकिन पहली बार मैं 8:30 बजे सूरजपुर में हूँ मैं, और स्कूटी पे। और ठंड भी लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक स्वेटर वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी। और काफी ब्यूटीफुल व्यूज, लाइट ही लाइट। चौपाटी से सामान लाने के लिए कर रही थी, लेकिन पूरा टाउन, मतलब जहाँ पे लगता है चौपाटी सूरजपुर में, सब खत्म, कुछ नहीं बचा था, ना गुपचुप बचा था, ना चाट, ना मतलब कुछ भी नहीं था, खत्म। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, खाने का मन था मुझे थोड़ा सा, लेकिन दीदी के लिए लेकर जाना था, मिला कुछ भी नहीं।
आगे। चलिए चलती हूँ उसके घर और पूरा आधा ब्लॉग वहीं अब शूट होगा। दीदी के यहाँ आ गई हूँ, हेलो कर दो। और रात काफी हो गया था तो घर नहीं जा पाई और दीदी का ड्रेस पहनी हूँ रेड रेड। हर ब्लॉग में रेड ही रेड दिखता होगा, मेरा तो रेड कलर काफी ज्यादा पहनती हूँ हर ब्लॉग में। और दीदी उस रूम में साफ सफाई कर रही है, रख रही है सामान कुछ कुछ। और जीजा दी जीजा जी से मिलवाती हूँ अभी आप लोग को। तो मेरे जीजा जी आ गए हैं ऑफिस से और मैं आप लोग को मिलाती हूँ मेरे जीजा जी से। हेलो, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना। लास्ट ईयर सॉरी हाँ दिस ईयर कौन से मंथ में मिले थे हम लोग? जुलाई जुवतिया था, जुलाई जुलाई मंथ। जुवतिया कब था? अभी था जुवतिया वाले ब्लॉग में, याद करिए जुवतिया में हम लोग सबको याद है। हाँ जुलाई में जीजा जी को याद नहीं है। कोई बात नहीं। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है? ठीक है। ब्लॉग देखते हैं कि नहीं? देखता हूँ टाइम मिलता है तो। बिजी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो उस पर। अभी आए हैं 8:30 बजे और आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। और हम लोग अभी जीजा सागली चेयर्स ब्लैक टी। जीजा जी को चाय पीना था, निशा को बोली चाय पीना। तो कौन सी चाय पीते हैं आप? मिल्क टी पीते हैं, लेकिन इनको मिला ब्लैक टी। सो सैड। चाय का आनंद लेते हैं, एंजॉय। लेकिन कुछ तो नहीं है यार इसके साथ, मूंगफली खा ली है हमने। खाना का तैयारी हो रहा है और सब्जी बनने वाला है, तो सब्जी कटिंग हो रहा है, परवल सब्जी आलू और कटिंग कर रही है। और सरसों भाजी मेरी फेवरेट बन रही है, भाजी रोटी और रोटी। साक्षी इधर देखो, ये साक्षी खाना भी बना लेती है, सारा कुछ काम कर लेती है, छोटी सी है। ये देखो सब्जी काट रही है, वाह। ऐसे खाना में बन रहा है भाजी और परवल की सब्जी। और इन लोगों का कढ़ाई कितना सुंदर सा है, पकड़ने वाला ने दिया है। मैं देख रही थी इसकी कढ़ाई है कि क्या है, मस्त। किचन की स्पेशल बन रहा है। आज ये थी ब्लॉग वीडियो। और खाना खाने में काफी लेट हो गया, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और घर पे सब खाना खा लिए हैं। और मैं भी हूँ अपनी दीदी के ससुराल पे और यहाँ आई थी, मतलब ऑफिशियल काम था आज, तो सारा दिन पूरा बिजी थी ऑफिशियल काम करने में, पूरा दिन हॉस्पिटल पे लग गया। और काफी मेरे जूनियर सीनियर सभी कोई मिले, जैसा देखिए आप, और मेरे स्कूल के भी कई फ्रेंड्स मिले थे। और वीडियो एकदम ही नहीं शूट कर पाई, जहाँ फिर मतलब पूरा टाइम वहीं चला गया। एक जूनियर मिली थी तो वो मेरे को अचानक से बोलती हैं, आप कंचन दीदी है ना, आपका ब्लॉग देखती हूँ मैं, तभी मैं आपको पहचान रही हूँ। तो मतलब काफी सब्सक्राइबर भी वहाँ मिले थे और काफी अच्छा लगा सबसे मिलके। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए कंचन ऑफिसियल 68 के नाम से। अभी के लिए ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।